परसेंट नहीं बोलूंगा भाई, 10%, 5%, 8%, सीधा प्राइस बताऊंगा वीडियो के अंदर। फॉगलाइट अपना 11,000 रुपए का दे दूंगा, पैदल आपको दे दूंगा 800 रुपए का, 26,500, 6 स्लॉट आते हैं जो मात्र आपको 3,000 रुपए में गाड़ी में लगा के दे दूंगा। 61, 62 में आपको यहाँ पर दोनों अलाइवल्स मिल जाएंगे। 5500 का दे दूंगा आपको, 2 पीस रूफ रेल, तो 6,000 रुपए में। ये अगर आप लेते हो ये 6 पीस में पूरा आ जाएगा 14,500 रुपए फिटिंग वुटिंग सब करके। ये वाला अपना 6 पीस अगर इसके साथ सेट लेते हो तो ये आ जाएगा 6,200। 11,500 में आपकी गाड़ी के अंदर ऑटो फोल्डिंग मिरर मिल जाएंगे। सिंगल चाबी विद कोडिंग लेते हो तो 4,000 रुपए, डबल चाबी विद कोडिंग लेते हो तो 7,000 रुपए। इसकी प्राइसिंग आएगा 4,800, तो 12,500 रुपए में आपकी गाड़ी में वाइपर फिटिंग करके 4,600 में आपको मिल जाएगा टॉप एंड वेरिएंट वाले हैंडल। टिप होता है जो उसपे बेस लिखा होता है, बेस, और इसपे क्या लिखा होगा भाई, हाई लिखा होगा जो अपना जर्मन होगा। 3,200 में आपको 4 पीस प्लेट मिल जाएगा। डिफरेंस आपके सामने क्लैरिफाई हो रहा होगा, 4,000 रुपए में जेन्युइन मिल जाएंगे। डिफरेंस दिखाता हूं आपको, 3,600 का आ जाएगा, क्या 1,800 रुपए में दोनों साइड के आपके ए पी। प्राइसिंग की बात करो अगर सिंगल पीस लेते हो तो 4,500 रुपए। भाई आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है, स्कॉर्पियो एन वाले भाइयों ने बहुत ज्यादा डिमांड थी, भाई एक वीडियो लेके आओ जिसके अंदर आपको एक सिंगल से सिंगल आइटम का प्राइस मिल सके। तो आज की वीडियो शोकेस करने वाला हूं आपको ऑटोमेटिक कार डेगो की तरफ से सारे महिंद्रा के जेन्युइन पार्ट्स, कोई परसेंट नहीं बोलूंगा भाई, 10%, 5%, 8%, सीधा प्राइस बताऊंगा वीडियो के अंदर। अगर प्राइस जानना भाई एक एक चीज का वीडियो एंड तक जुड़ के करना। और स्कॉर्पियो एन है ना, यहाँ पर लेके भाई जेन्युइन पार्ट्स ए टू जेड मिलने वाले हैं। भाई साथ में अपने जुड़ चुके हैं गितेश भाई और हिमांशु भाई, क्या हालचाल भाई? बहुत बढ़िया भैया। मतलब स्कॉर्पियो एन पे मिल रहा है भाई अच्छा खासा प्यार, बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए सारा सामान के साथ। तो भाई आज की वीडियो में ना भाई एमआरपी नहीं दिखाने वाला, डिस्काउंट नहीं बताने वाला भाई, सीधा सीधा बात करेंगे प्राइस बताएंगे वीडियो के अंदर, और हर एक छोटी से छोटी चीज का फाइनल प्राइस बताएंगे कि आओ इतने पैसे दो ये चीज गाड़ी में लगवा के ले जाओ। भाई देखो हाथ में क्या ले रखा पहले बता दो। अपना जो मोस्ट डिमांडिंग चीज है महिंद्रा जेन्युइन फॉग लाइट, और हर स्कॉर्पियो एन में पहला कस्टमर का मांग है ये। ठीक है भाई, इसकी बात करें कितने में लगा के दे दोगे? ये फॉगलाइट अपना 11,000 रुपए का दे दूंगा आपको। 11,000 में दे दोगे? 11,000 में फॉगलाइट दे दूंगा। जेन्युइन है? जेन्युइन है, महिंद्रा जेन्युइन है, हमारे पास आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जो होगा हम बता देते भैया, ये आफ्टर मार्केट है। जैसे अपनी एम्बियंस लाइट, सीट कवर, एम्बियंस लाइट, डोर वाइजर महिंद्रा जेन्युइन रिकमेंड है, अपना आफ्टर मार्केट रिकमेंड है, तो वो चीज ऐसी है। ठीक है, महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाएगी जेन्युइन के अंदर, इसके अंदर अपनी आफ्टर मार्केट भी आ चुकी है, इसकी आफ्टर मार्केट भी आ चुकी है और सेम आ चुकी है, लेकिन उसमें बस महिंद्रा की ब्रांडिंग नहीं होगी और ये क्वालिटी नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ लुक में आप अपग्रेड कर सकते हो भाई। इसके साथ बेजल भी आता है, इसके साथ बेजल भी आता है, बेजल आपको दे दूंगा 800 रुपए का। 800 रुपए में आपको बेजल मिल जाएगा। यानी कि सिंगल का रेट बता रहे हैं, का रेट बता रहा हूँ भाई, ना इतना सस्ता कहाँ से ला रहे हो? बस ला रहे हैं, आप लोग तो प्यार है बस। चलो भाई ये पूरी एक फाइनल लुक दिखाना भाई, अपग्रेड करने का कैसी आएगी, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। के बाद ऐसे आ जाओ, यहाँ पे जिनको डम्मी सेंसर चाहिए डम्मी सेंसर मिल जाएगा, जिनको वर्किंग सेंसर चाहिए वर्किंग सेंसर मिल जाएगा, जिनको टेप लगवाना है वो टेप लगा। और डमी सेंसर या फिर नॉर्मल एक सेंसर की स्टार्टिंग कितने से मिल जाती है भाई? डमी सेंसर भैया 600 रुपए का दे दूंगा आपको, और वर्किंग सेंसर 2,200 रुपए का जेन्युइन वाला। चलो भाई दोनों चीजों का रेट यहाँ पर वीडियो के अंदर बता दिया भाई। नेक्स्ट क्या दिखा रहे हो? हेडलाइट सबसे मेन चीज, जो फ्रंट लुक एनहांस करती है, पहले आपको उसकी लुक दिखाने वाला हूँ। हेडलाइट की बात कर ले भाई, टॉप एंड वेरिएंट वाली, टॉप एंड वेरिएंट है, कितने प्राइसिंग में? 2,600 में मात्र, 2,600 में लगा के दे दूंगा, लगा के दे देंगे, लगा के दे दूंगा। इसके वायरिंग वायरिंग सब, इसमें कोई वायरिंग नहीं लगता, अगर कोई प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले होता है, कोई अगर आपको 25 में बोल के वायरिंग में अदर घुमाता है तो वो चीज अलग है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप पूरी एक Z2 को ZL के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर मिल जाता है, हाई बीम के अंदर LED सेक्शन मिलने वाला है भाई। प्लस अगर बात करें फ्रंट में एक वो ग्रिल आती है, ग्रिल में क्या मिल जाएगा? ग्रिल में अपना पियानो ब्लैक ग्रिल हो जाएगा, जो अपना स्टॉक कंपनी का ग्रिल होता है, उसी के ऊपर अगर स्लॉट चेंज करने हैं, Z2 में अपना ब्लैक आता है, Z4 Z6 में सिल्वर आते हैं, अगर स्लॉट चेंज करने तो स्लॉट भी मिल जाएगा भाई। ये वाली ग्रिल चाहिए हो पियानो में, कितने में दे दोगे? पियानो ग्रिल आपको दे दूंगा 3,500 रुपए में। 3,500 रुपए में, और आपकी वाली ग्रिल रख लेंगे अपने, हाँ जो कस्टमर की लगे होते हैं वो रख लेंगे और ये हम लगा देंगे। ठीक है, मात्र 3,500 रुपए में आपको ये ग्रिल मिल जाएगी। अगर बात करें इसके अंदर 6 पीस वाले स्लॉट आते, कितने में मिल जाएंगे ये स्लॉट? इसके 6 पीस के स्लॉट दूंगा आपको 3,000 रुपए में, मात्र 3,000 रुपए में। 3,000 रुपए जेन्युइन रहेगा, जेन्युइन महिंद्रा जेन्युइन होगा, पीछे महिंद्रा का बैजिंग भी होगा। दिखा दो भाई एक बार, तो भाई उसकी लुक भी आपको दिखाता हूँ। महिंद्रा के जेन्युइन बॉक्सेस के अंदर से यहाँ पर अनबॉक्स कर दिया जाएगा सामान, और आपकी गाड़ी में लगा दिया जाएगा। तो कर देते इसको अनबॉक्स, और इसमें दिखाता हूँ क्या कुछ लुक आप अपनी Z2 के अंदर या फिर Z4 Z6 जोन सा भी वेरियंट हो, क्या कुछ आप चेंजेस करवा सकते हो उसके अंदर। यहाँ पर अनबॉक्स करा जाएगा अपना महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट, ये स्लॉट होता है और ये यहाँ लग जाता है। ठीक है, तो ये लग चुका है यहाँ पर।
तो ऐसे ये 6 स्लॉट्स आते हैं, ये ऐसे 6 स्लॉट आते हैं जो मात्र आपको 3000 रुपए में गाड़ी में लगा के दे दूंगा। मतलब भाई इतना सस्ता था मेरे हिसाब से महिंद्रा या फिर कहीं नहीं मिलने वाला। जो यहाँ मिलेगा बस ऑटो मैजिक पे। भाई भाई ने ना स्कॉर्पियो स्टार्टिंग करी थी और अच्छा खासा प्यार मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए इतना अच्छा खासा रेट्स और डिस्काउंट आपके लिए वीडियो के अंदर लेके आ चुके हैं। नेक्स्ट हिमांशु भाई क्या दिखा रहे हो? नेक्स्ट अपना अलॉय व्हील। अलॉय व्हील दोनों मिल जाएगा अपने को, दोनों महिंद्रा जेन्युइन दोनों मिल जाएगा। तो भाई पहले आपको लुक दिखाया हूँ, 17 की ये कुछ लुक मिल जाती है और 18 की भाई आपको ये कुछ लुक मिल रही है, ये कट का डिफरेंस आपको इसमें मिल जाएगा देखने के लिए। भाई अब इनकी प्राइसिंग की बात कर ले, इसकी प्राइसिंग आपको 51,000 दे दूंगा आपको। 51,000 चारों के? चारों के ठीक है। और 18? ये 62,000। 62 में आपको यहाँ पर दोनों अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। यूज है ये ब्रांड न्यू डब्बा पैक मिलेगा आपको, कहीं से जो यूज होगा यहाँ पे उसके थोड़े जंग लगे होंगे ठीक है, और इसमें नक्के भी लगे होंगे। इसमें बिल्कुल फ्रेश पीस मिलेगा, फ्रेश पीस है, कोई स्क्रैच नहीं है, महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये रखे अपने जेन्युइन बॉक्स जो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, डब्बा पैक आपकी कार के अंदर अपग्रेड कर दिए जाएंगे। भाई एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूँ, अब भाई बहुत लोग बोलेंगे कि ये टायर के साथ रेट तो नहीं है ना भाई? नहीं, ये विदाउट टायर है। विदाउट टायर आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा टायर लगवाते हैं, उसके ऊपर प्राइसिंग होता है ठीक है। 17 की बात कर ले स्टॉक टायर्स के अंदर ही अपग्रेड कर दिए जाएंगे, 18 की बात कर ले इसके आपको टायर साइज भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये थी अपनी अलॉय व्हील्स के अंदर लुक। भाई साइड में अपने Z2 के अंदर रूफ रेल नहीं आती, फुटरेस्ट नहीं आता, वो भी दिखाने के लिए सब कुछ रख रखा हूं। आज एक छोटी छोटी चीज दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, हर एक चीज दिखाने वाले हैं। प्राइस भी बताऊंगा, प्राइसिंग के साथ वीडियो में बात है पूरी, तो एंड तक देख के चलना। यहाँ पर अपना अनबॉक्स कर दिया भाई ने, भाई क्या कुछ अनबॉक्स करा अभी? ये अपना रूफ रेल जो महिंद्रा जेन्युइन रहता है, महिंद्रा जेन्युइन रूफ रेल आपके सामने ही अनबॉक्स करी जा रही है। सिल्वर फिनिश के अंदर आती है, जेन्युइन पार्ट रहेगा जो अपना ड्रिल करके अपग्रेड करा जाएगा। ड्रिल करके होता है, जिनको पेस्टिंग चाहिए पेस्टिंग मिल जाएगा, लेकिन पेस्टिंग ऑर्डर पे आएगा। भाई इसकी प्राइसिंग की बात कर ले, इसकी प्राइसिंग आपको 5500 रुपए 5500 का दे दूंगा आपको दो पीस रूफ रेल। 5500 रुपए में जेन्युइन रूफ रेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, महिंद्रा की जेन्युइन सिल्वर फिनिश के अंदर, ब्लैक चीप ब्लैक मिल जाती है, ब्लैक चीप ब्लैक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट भाई की दश भाई क्या कुछ अनबॉक्स करा है? जेन्युइन फुटरेस, जेन्युइन फुटरेस ब्लैक फिनिश के अंदर आता है, स्क्रू व्रू सब कुछ मिल जाता है इसके अंदर, सब कुछ इंक्लूड मिलेगा आपको 6000 रुपए में। 6000 रुपए में जेन्युइन फुटरेस आप अपनी कार के अंदर अपग्रेड करवा सकते हो। इसमें इसके कोनी वोनी सब कुछ साथ में ही आता है, दो पीस में फुटरेस्ट आता है, इसके ज्यादा कोई भी पीस नहीं आता है ठीक है। तो बोलते फुटरेस्ट 500 का है, 5000 का है, कोनी अलग जोड़ देगा, वो सब कुछ नहीं आता, सब इंक्लूडेड आपको 6000 रुपए में लगा के दे दूंगा। जेन्युइन पार्ट रहता है महिंद्रा का, कोई डिप पेंट सीन नहीं मिलेगा इसके अंदर, फिनिशिंग लेवल आपके सामने रहने वाला है, जो फिनिशिंग आपको जेन्युइन में मिलेगी। तो ये कुछ लुक मिल जाती है देखने के लिए, बाकी इसमें सिल्वर भी मिल जाती है भाई। सिल्वर मिल जाएगा, सिल्वर की कॉस्टिंग कितनी पड़ती है? सिल्वर इससे 200-300 रुपए महंगा होता है, इससे महंगा होता है ठीक है। तो ब्लैक मेरे हिसाब से और ज्यादा प्रीमियम लुक एनहांस कर सकते हो अपनी कार के अंदर। नेक्स्ट हिमांशु भाई क्या रखा हुआ सामने? नेक्स्ट अपना लोअर गार्निश जो विंडो गार्निश क्रोम लगती है ठीक है, रिप्लेसमेंट पीस में आता है और दो पीस जो उसका कोटक लगता है वो पेस्टिंग होता है, वो पेस्टिंग सीन रहता है, ये रिप्लेसमेंट सीन के अंदर कन्वर्ट करा जाएगा। स्क्रू सिस्टम होता है ये देख सकते हो, स्क्रू दिखाता हूँ, ये कुछ स्क्रू सिस्टम मिल जाता है, जेन्युइन पार्ट रहेगा, रिप्लेस कर दिया इसकी पन्नी हटाना एक बार। तो भाई देख लो ये कुछ क्रोम फिनिश आपको मिल जाता है, महिंद्रा जेन्युइन पार्ट रहेगा, ये है अपना पेस्टिंग ठीक है, सी गार्निश क्रोम जो अपना पेस्टिंग के अंदर रहता है। इसके अंदर भाई अपने दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो क्वार्टर पैनल पूरा चेंज करवा सकते हो, एक ये पेस्टिंग करवा सकते हो। तो भाई एक बार साथ साथ अनबॉक्स कर दो क्वार्टर पैनल वाला पार्ट भी, उसके लुक भी दिखाया था आपको, और यहाँ पर ये सी वाला पार्ट पूरा रहता है जो पेस्टिंग के अंदर है। इसकी प्राइसिंग की बात करें भाई, प्राइसिंग आपको 6200 रुपए 6200 में आपको लगा के गाड़ी में दे दूंगा इंस्टॉलेशन विद इंस्टॉलेशन 6200 रुपए में आप लोअर गार्निश अपग्रेड करवा सकते हो। एक चीज और, इसका जो पीस है ये आपका मार्केट आ गया है, लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर आगे के चार पीस जेन्युइन लगा देते हैं, पीछे क्वार्टर पैनल दो पीस लगा देते हैं आफ्टर मार्केट, जो 200-400 रुपए सस्ता है, 500 रुपए ठीक है, तो वहाँ 200-400 रुपए सस्ता करके आपको दे देगा। लेकिन मेरे हिसाब से जाना है तो जेन्युइन की तरफ ही जाइए। तो ये कुछ लुक मिल जाती है आपको जेन्युइन के अंदर, मार्केट में ये टेप नहीं मिलेगा, ये जो हमारा टेप है ये थोड़ा अलग ही टेप है, उसके अंदर 3M की टेप लगी होगी, 3M की टेप होगी ठीक है। यहाँ अगर बात कर ले भाई क्वार्टर पैनल रिप्लेसमेंट सीन की बात कर रहे थे यहाँ पर, जिसके अंदर आपका पूरा फुल बैक एंड वाला मिरर रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो वो भी महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट रहता है, आपके सामने अनबॉक्सिंग करी जा रही है उसकी। ये भाई ये पूरा अपना पेस्टिंग है, कैसे मतलब क्या करते हैं? ये पूरा रिप्लेसमेंट होता है, पूरा रिप्लेसमेंट हो जाएगा मिरर अपना, मतलब फुल एक जेडेड एल वाली फील आ जाएगी उसके बाद देखने के लिए। एल बनानी है वो अपना मिरर चेंज करवा सकते हैं, वन टाइम वाला चीज है ये। कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, बाकी अगर आपको नहीं मतलब डबल हो जाएगी, हाँ डबल हो जाएगी मेरे हिसाब से, बाकी अगर आपको सिर्फ जाना है तो आप सिर्फ जा सकते हो। यहाँ पर भाई अगर अनबॉक्स करके दिखाना मिरर, तो भाई ये है क्वार्टर पैनल पूरा जो रिप्लेस करा जाएगा आपकी स्कॉर्पियो एन के अंदर। तो ये देख लो ये एक पूरी कुछ लुक आती है,
जेन्युइन, ये भी महिंद्रा जेन्युइन है, ये देख सकते हो आप, महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जेन्युइन पार्ट रहता है जो इसके अंदर अपग्रेड करा जाएगा। ये है पेस्टिंग वाला, ये है रिप्लेस वाला। प्राइसिंग ये अगर आप लेते हो ये 6 पीस में पूरा आ जाएगा 14,500 रुपए में, फिटिंग वुटिंग सब करके 14,500 रुपए में। और भाई ये वाला अगर 4 पीस ये, और ये वाला अपना 6 पीस अगर इसके साथ सेट लेते हो तो ये आ जाएगा 6,200। ठीक है भाई, दोनों की प्राइसिंग वीडियो के अंदर बता दिया, बाकी बात करें दोनों अपने महिंद्रा के जेन्युइन पार्ट्स ही रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट हिमांशु भाई बात करें अपने मिरर्स की, तो मिरर्स में क्या कुछ चेंजेस मिल जाएंगे? मिरर में अपना पूरा ही मिरर ही चेंज होता है। ठीक है, ब्रांड न्यू डब्बा पैक मिरर आएगा, तो ये आपको लुक मिल जाती है ब्रांड न्यू मिरर की, महिंद्रा का ब्रांडिंग मिल जाएगा। ठीक है, मिरर का स्विच आ जाएगा, जो भी ये भी महिंद्रा जेन्युइन होता है, आपको महिंद्रा का ब्रांडिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाएगी इसमें देखने के लिए, जिसके थ्रू आप अपना ये मिरर ऑपरेट कर सकते हो। लॉक अनलॉक फीचर मिल जाएगा, ये एडजस्टिंग का फीचर मिल जाएगा देखने के लिए। प्लस भाई ये क्या है, वायरिंग है जो कपलर टू कपलर वाला होता है। ठीक है, ये जैसे हमारा मिरर का स्विच है, ये यहाँ लग जाएगा, प्लग एंड प्ले हो गया ये इसके अंदर। गाड़ी में जो कपलर आता है ये वहाँ लग जाएगा। ठीक है, Z4, Z6, Z2 सब में लग जाएगा ये वायरिंग, और कपलर टू कपलर होगा। प्राइसिंग की बात करें, इसकी प्राइसिंग की बात करो तो 11,500 रुपए आपको फिटिंग करके मिरर पूरा कंप्लीट दे दूंगा। 11,500 में आपकी गाड़ी के अंदर ऑटो फोल्डिंग मिरर मिल जाएंगे, ऑटो फोल्डिंग मिरर। तो भाई जेन्युइन पार्ट रहेगा पूरा, रिप्लेसमेंट से। प्लस अगर बात करें, कैप अपनी रॉ फिनिश के अंदर ही पेंट करानी पड़ती है। हाँ जी, पेंट करानी पड़ती है। ठीक है, पेंट पार्ट अलग होगा। ठीक है, क्लियरिफाई कर दिया भाई वीडियो के अंदर। प्लस भाई अगर बात चल रही है ऑटो फोल्डिंग की, तो लॉक एंड अनलॉक करने लगे की चाहिए होगी हमें, तो Z2 के अंदर नहीं मिलती, Z2 में की नहीं आती है, तो अपने पास की का भी भंडार है। तो भाई मिले ना मिले अपने पास हमेशा अवेलेबल ही मिलेगा। ये सारे बॉक्सेस रहने वाले हैं अपने जेन्युइन की के, जो अपनी कार के अंदर अपग्रेड करवा सकते हो। Z2 वेरिएंट में अपना स्विच वाले बटन नहीं मिलते आपको की के अंदर। इसको अनबॉक्स दिखाना एक बार। तो भाई ये है अपनी की, ये अपना एक की जो Z2 में नहीं आता है, Z4 में भी एक ही चाबी देता है, फिलिप की वाला। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये बटन नहीं मिलते, तो ये आप पूरी ऑपरेट करवा सकते हो, महिंद्रा का जेन्युइन रहता है। जो अगर बात करें Z2 के अंदर सेंट्रल लॉकिंग अपनी आती है। हाँ जी, सेंट्रल लॉकिंग आती है, बस चाबी नहीं आता। ठीक है, चाबी नहीं आती है, उसके लिए यहाँ पर अपनी फ्लिप की आप अपग्रेड करवा सकते हो, जिसके अंदर आपको लॉक अनलॉक फीचर मिल जाएगा, और आपके मिरर्स भी उसी वर्किंग आपको मिलने वाले हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करें भाई, इसकी प्राइसिंग की बात करें, अगर आप सिंगल चाबी विद कोडिंग लेते हो तो 4,000 रुपए, डबल चाबी विद कोडिंग लेते हो तो 7,000 रुपए। ठीक है भाई, आपको दो बनवाना सस्ता पड़ेगा ना मेरे हिसाब से, है ना। बाकी अपना जेन्युइन पार्ट रहता है जो इसके अंदर अपग्रेड करा जाएगा। बाकी भाई अगर बात करें, फ्रंट में अपना LED सेक्शन में चुके हैं अपग्रेड करने के लिए, हेडलाइट दिखा दी थी। अगर स्टॉक हेडलाइट के अंदर ही आपको यहाँ पर LED में अपग्रेड करवाना हो तो बात करें कितने से एक बेसिक स्टार्टिंग मिल जाएगी। LED के स्टार्टिंग 2500-3000 रुपए से मिल जाएगी, उसकी भी एक साल की गारंटी होगी, एक साल की रिप्लेसमेंट भाई, रिप्लेसमेंट गारंटी होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ, कौन कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं मानशु भाई। 130 वाट में अपना ट्रैक्टर का मिल जाएगा। ठीक है, इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें 4500-5000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपना M-Trax का मिल जाएगा 160 वाट में, 160 वाट 4,420 के रेंज में। ठीक है, तो आपको प्राइसिंग वीडियो के अंदर बताया जा रहा है। यहाँ पर ये MRX मिल जाएगी, MRX मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा अपना 5500-6500 के रेंज में, LED 165 वाट का है। ठीक है, हाई और लो बीम सेक्शन के अंदर आप H7 अपग्रेड करवा सकते हो। ठीक है, फ्रंट फेस में मैंने आपको मेरे हिसाब से हर चीज दिखा दी होगी, हिमांशु भाई नेक्स्ट क्या दिखा रहे हो? बाकी आपकी फ्रंट में एक चीज रह गई थी, वो अपना स्किड प्लेट सिल्वर वाला। ठीक है, स्किड प्लेट दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जो ऑप्शन मिल जाता है बम्पर के नीचे, Z6, Z8, Z8L में सिल्वर आता है, Z4, Z2 में ब्लैक आता है। ठीक है, ये अपना फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर आप अपग्रेड करवा सकते हो, सिल्वर फिनिश के अंदर रहता है, डिपेंड करा गया भाई, ये डिप ही आता है, जेन्युइन कंपनी से भी नहीं आएगा, प्लास्टिक आएगा, ब्लैक आएगा कंपनी से भी, उसके बाद पेंट होता है, मतलब रॉ ब्लैक आता है, रॉ ब्लैक आता है। कोई आपको बोल दे भैया ये जेन्युइन है, ये पेंटेड है, डबल घुमाएगा, तो वो चीज नहीं है भाई। इसकी प्राइसिंग कितनी पड़ती है? प्राइसिंग आगे पीछे दोनों आपको पड़ जाएगा 4,000 रुपए। 4,000 रुपए में फ्रंट एंड बैक आप स्किड अपग्रेड करवा सकते हो। तो ये हो गया फ्रंट एंड बैक। साइड में बात करें भाई, अब साइड की क्लाइडिंग आती है, वो भी अपना रो ही आता है, कंपनी से भी रो आता है, वो भी पेंट होता है उसके बाद। ठीक है, तो उसकी लुक भी दिखाया था आपको, जो ब्लैक प्लस सिल्वर थीम के अंदर कन्वर्ट करेगा, जो अपने Z6 के अंदर स्टार्टिंग मिल जाती है आपको देखने के लिए। इसकी प्राइसिंग कितनी पड़ती है भाई? प्राइसिंग 4 पीस की प्राइसिंग आएगी 4,500। ठीक है, 4,500 में आपको यहाँ पर ये साइड क्लाइडिंग्स मिल जाएगी, महिंद्रा के जेन्युइन पार्ट्स रहते हैं, डिप पेंट का प्रोसेस करके कंप्लीट करा जाता है। बाकी बैक एंड में बात कर ले भाई, एक स्पॉइलर बैक साइड में, अगर स्पॉइलर की बात करो तो ये भी मिल जाएगा अपने पास। स्पॉइलर महिंद्रा जेन्युइन रहता है, महिंद्रा जेन्युइन होता है, लेकिन ये रो आता है। ठीक है, तो रो भी दिखाया था, महिंद्रा का जेन्युइन बॉक्स देखो आपके सामने अनबॉक्स करा जाएगा। ये कुछ इस फिनिश के अंदर यहाँ पर आपको ये स्पॉइलर मिलता है देखने के लिए, महिंद्रा का पुराना वाला लोगो मिल जाएगा, पार्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर स्क्रू करके इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। फ्रंट लुक दिखाना भाई एक बार,
तो ये रहती है फ्रंट लुक, कितनी कुछ प्राइसिंग रहती है इसकी? प्राइसिंग आएगा 4800। 4800 में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो डिप पेंट कराना होगा उसका खर्चा अलग। उसका खर्चा आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेंट करवाते हो या टेप करवाते हो। हाँ, टेपिंग और उसका डिफरेंस आपके ऊपर डिपेंड रहता है। प्लस आपको लुक दिखाता हूँ, पेंट करवाना तो कुछ इस टाइप से लुक आ जाएगा। ब्लैक थीम में कन्वर्ट करवाना हो या फिर व्हाइट, जो अपना बॉडी पर जो गाड़ी भी का कलर आप उसमें करा सकते हो, चाहे ब्लैक हो, रेड हो, सिल्वर हो, कोई भी कलर के अंदर आप कन्वर्ट करा सकते हो। प्राइसिंग आपको बता दिए वीडियो के अंदर यहाँ पर। प्लस भाई बैक एंड में बात कर ले, एक अपने रिफ्लेक्टर्स और एक अपना क्रोम, तो उसके दिखाते हैं क्या कुछ लुक मिल जाती है आपको देखने के लिए। इसके अंदर महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट रहता है, बैक एंड वाला क्रोम भी अपना रिप्लेसमेंट सीन। ये भी महिंद्रा जेन्युइन ही होगा, पार्ट नंबर मिल जाएगा ये रहा इसका। ठीक है, ये रहा अपना पार्ट नंबर का। ये रही अपनी महिंद्रा की बैजिंग जिसके अंदर आपको मिलने वाली है। इसके अंदर आता है, ठीक है, थ्री पीसेस के अंदर रहता है महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट, जो अपना कंपनी से आता है ब्लैक फिनिश में आता है भाई। ब्लैक में आता है, जेड 4 जेड 2 में ब्लैक आता है, उसके ऊपर क्रोम आता है। ठीक है, और इसकी प्राइसिंग की बात कर ले भाई। इसकी प्राइसिंग की बात करो तो ये पड़ेगा 2600 रुपए। ठीक है, 2600 रुपए में आपको ये मात्र मिल जाएगा। और रिप्लेसमेंट सीन महिंद्रा का जेन्युइन, क्रोम व्रोम में कोई अपना जंग वंग लेने का इशू तो नहीं आएगा भाई। इशू नहीं आएगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है किस हिसाब से केयर करती हूँ, नहीं तो जो हमारा जेन्युइन है उसमें भी जंग लगता है। ठीक है भाई, बैक एंड में अगर बात कर ले, एक रिफ्लेक्टर सबसे ज्यादा मेन एक लुक एनहांस कर देते हैं, आफ्टर मार्केट रहते हैं, लेकिन जो प्रीमियम लुक जो आप अपनी स्कॉर्पियो एन के अंदर अपग्रेड करा सकते हो भाई। अनबॉक्स करना है एक बार, तो भाई यहाँ पर आपको अनबॉक्सिंग का उसके लुक दिखाया था। तो यहाँ पर ये रहते हैं अपने आफ्टर मार्केट, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर, पार्किंग फीचर, रिवर्स फीचर और अपना सारे फीचर इसमें मिल जाते हैं। जो अपना डमी आता है उसको रिमूव कर, है ना, जिसमें ओनली अपनी रिवर्स लाइट मिलती है। ये मिल जाएगा और ये स्कैनिंग मोड मिल सकता है। ठीक है, कंपनी का ब्रांडिंग मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें भाई, इसकी प्राइसिंग की बात करो तो 3050 रुपए। ठीक है, 3050 रुपए में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, विद फिटिंग। हिमांशु अगर बात करें, एक सबसे बैक एंड सबसे मेन चीज आती है वाइपर, मिल जाएगा? मिल जाएगा, Z2 में लग जाएगा। तो भाई दिखा दो एक बार, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जादू की छड़ी। हाँ, जादू छड़ी अपना वाइपर रहने वाला है, तो जो आप अपने Z2 के अंदर अपग्रेड करवा सकते हो। तो ये कुछ लुक मिल जाती है, ये अपने अलग अलग पार्ट्स के अंदर आती है। नेक्स्ट यहाँ पर महिंद्रा का एक बॉक्स और अनबॉक्स कर रहे हैं, जो पीछे लगेगा जिस पे ये हमारी जादू की छड़ी टाइट होगी। ठीक है, तो मतलब फुल जादू छड़ी मैंने बना दोगे। तो भाई यहाँ पर ये कुछ लुक मिल जाती है आपको वाइपर की देखने के लिए। मोटर जेन्युइन रहती है, महिंद्रा जेन्युइन होता है, ये भी महिंद्रा जेन्युइन है। ठीक है, ये जेन्युइन पार्ट। वॉशर, ये वॉशर है जो आगे वो करता है पानी के लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन स्विच भी आएगा भाई। यहाँ पर क्या है ये अपना कॉम्बिनेशन स्विच जो वाइपर को जिससे चलाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ स्विच मिलता है, ये कुछ आपको मोटर मिलती है, ये है अपना वाइपर, ये अपना वॉशर। अब प्राइसिंग की बात करें भाई इनकी, इसकी प्राइसिंग की बात करो तो 12,500 रुपए में आपकी गाड़ी में वाइपर फिटिंग करके वॉशर के साथ सब कुछ चालू करके दे दूंगा। और भाई ऑटो कट, ऑटो कट के साथ, ऑटो कट के साथ आपको 12,500 में, 12,500 रुपए में महिंद्रा भाई सारी चीजें जेन्युइन है, कुछ भी आपको लोकल नहीं होगा, आपके सामने हर चीज इंस्टॉल करी जाएगी। पार्ट नंबर भी चाहिए तो पार्ट नंबर मिल जाएगा। मतलब और भाई अगर बात करें, कोई वारंटी वॉइड वाला सिस्टम तो नहीं है, सारा कपलर टू कपलर होता है, प्लग एंड प्ले है। हर वीडियो में दिखा रखा है, मतलब ज्यादातर वीडियो में दिखा रखा है जितना भी है। ठीक है, कपलर टू कपलर। हिमांश भाई क्या दिखा रहे हो? नेक्स्ट अपना आउटर हैंडल। ठीक है, आउटर हैंडल जो Z8L के अंदर आता है, जिसके अंदर आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगा देखने के लिए। रिक्वेस्ट सेंसर चालू हो जाएगा। तो भाई ये भी अपना जेन्युइन रहने वाला है, वर्किंग के साथ मिल जाएगा आपको देखने के लिए। हिमांशु प्राइसिंग की बात करें, इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो 4600। 4600 में आपको मिल जाएगा टॉप एंड वेरिएंट वाले हैंडल्स, पांच पीस डिग्गी वाला मिला के। ठीक है, नेक्स्ट भाई दिखा दो अंदर वाले हैंडल्स जितने भी रहते हैं। अनबॉक्स कर चुके हैं भाई, स्विच प्लेट पावर विंडो पैनल जिसको बोलते हैं। ठीक है, टॉप मॉडल वाला रहता है। तो ये है जेन्युइन भाई, ये डिप पेंट है, जेन्युइन है, ये जेन्युइन के इसके अंदर आता है। डब्बा पैक आपके सामने अनबॉक्स करा जा रहा है, ग्लॉसी में डिफरेंस आपको मिल जाएगा जेन्युइन और डिप पेंट। भाई डिप पेंट दिखाना है एक बार हल्का सा, तो डिप पेंट वाले के भी लुक दिखाता हूँ आपको, डिफरेंस आपको क्लैरिफाई हो जाएगा वीडियो के अंदर कि डिप के अंदर क्या डिफरेंस आपको मिल जाता है। और न पहचान में डिप और जेन्युइन, तो एक चीज मैं बताता हूँ। ठीक है, बता दो भाई। ये आप देखोगे तो जो डिप होता है जो उस पे बेस लिखा होता है, बेस, और इस पे क्या लिखा होगा भाई? हाई लिखा होगा, जो अपना जेन्युइन होगा भाई। ये डिफरेंस मिल चुका है भाई आपको, जेन्युइन में लिखा होगा हाई, नॉर्मल में लिखा होगा लो, बेस। ठीक है, और डिफरेंस पहचान सकते हो कि आप हमारा बेस ये जेन्युइन है या पेंटेड है। भाई देखो इतना क्लैरिफाई कोई वीडियो में नहीं करता, और डिफरेंस हल्का माइनर डिफरेंस आपको दिख जाएगा वीडियो के अंदर भी कि जेन्युइन और डिप पेंट के अंदर क्या डिफरेंस मिल जाता है। नेक्स्ट भाई यहाँ पर अगर बात करें, इनके स्विचेस चाहिए हो, स्विचेस भी मिल जाएंगे, स्विचेस भी दिखा दो भाई एक बार, वो भी अपना जेन्युइन रहता है, वो भी अपना जेन्युइन ही होता है। तो यहाँ पर ये अपग्रेड कर चुके हैं, ये कुछ टॉप मॉडल फील्स मिल जाएगी भाई। इनकी प्राइसिंग की बात कर ले, इसकी प्राइसिंग की बात करो तो
3200 में आपको चार पीस प्लेट मिल जाएगा जेन्युइन महिंद्रा जेन्युइन। और वही अगर डिपेंड करवाना हो तो 2200 ठीक है, आपको डिफरेंस मिल जाएगा 1000 रुपए अराउंड का मोटा मोटा मिल जाएगा। लेकिन जिसको जेन्युइन चाहिए वो जेन्युइन तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर भाई नेक्स्ट बात करें ग्रैब हैंडल्स चाहिए हो जेन्युइन, ग्रैब हैंडल चाहिए तो ग्रैब हैंडल भी मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल भी अनबॉक्स करके दिखाए थे आपको, यहाँ पर जेन्युइन जो आपको मिल जाएगा जिसमें आपको सिल्वर फिनिश मिल जाता है और आफ्टर मार्केट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है डिप पेंट का, तो वो भी आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलने वाले है। तो भाई यहाँ पर ये अनबॉक्स करा जा रहा है जेन्युइन, तो तीनों वेरिएशन आपके सामने एक बार डेस्क पे लगाए दो भाई, मैं रखना भाई एक बार एक अपना ब्लैक वाला भी। तो भाई ये देख लो, पहली बार डिफरेंस आपके सामने क्लैरिफाई हो रहा होगा, जेन्युइन डिप पेंट ब्लैक फिनिश के अंदर डिप पेंट कन्वर्ट करा गया है। इसकी प्राइसिंग की बात कर ले भाई, प्राइसिंग की बात करो तो 4000 रुपीज, 4000 रुपए में जेन्युइन मिल जाएंगे, जेन्युइन मिल जाएगा और चार पीस मिल जाएगा। और अगर बात करें भाई अब इन में कन्वर्ट करवाना हो डिप पेंट में, अगर पेंट करा दो 2600 2600 रुपए में आप अपने पार्ट से डिप पेंट करवा सकते हो, जो आपका कंपनी से पार्ट आएगा वही वाला डिप होगा। अपने पास रेडी स्टॉक रखा होता है, रेडी स्टॉक होता है, ये हम गाड़ी में से उसका पीस ले लेंगे, ये पीस लगा देंगे ठीक है। ये अपना डिप पेंट प्रोसीजर है और ये अपना जेन्युइन प्रोसीजर जो इसके अंदर अपग्रेड करवा सकते हो। तीन कलर का ऑप्शन अभी हमारे पास रेडी स्टॉक रहता है, बाकी और भी कोई अदर कलर चाहिए जैसे कार्बन हो गया, कोई अदर कलर चाहिए तो वो करवा सकते हैं आप ठीक है। भाई अगर बात करें अब इनर हैंडल्स रह गए अपने, इनर हैंडल भी है, इनर हैंडल भी दिखाए थे एक बार जेन्युइन में क्या कुछ लुक मिल जाती है। पर्सनली प्रेफर करूंगा आप अगर इनर हैंडल्स अपग्रेड करवा रहे हो तो जेन्युइन की तरफ ही जाओ, क्योंकि डिप पेंट में ना इसमें कुछ थोड़ी सी माइनर डिफरेंस रह जाता है, डिप में फिनिशिंग नहीं आती। हाँ तो ये कुछ लुक मिल जाती है जेन्युइन के अंदर आपको, यहाँ पर ही रेड फिनिश मिल जाता है, ये है डिफरेंस, ये अपना डिफरेंस भाई सीधा करना इसको एक बार, तो भाई डिफरेंस दिखाता हूँ आपको, आपको ये कुछ डिफरेंस आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग भाई इसकी बात प्राइसिंग की करो तो 3600 का आ जाएगा ठीक है, 3600 रुपए में, और रिपेंट करवाना हो तो भाई 1600 रुपए भाई, कितना डिफरेंस मिल जा रहा है, जेन्युइन पार्ट जेन्युइन रहता है भाई। भाई क्या अनबॉक्स कर रहे हो नेक्स्ट, अपना हफीम चीज, या ये मोस्ट डिमांडिंग चीज है, ये है मोस्ट डिमांडिंग चीज, Z2 के अंदर नहीं आती, ग्रैब हैंडल, ग्रैब हैंडल जो ए पिलर वाला हैंडल है, जो डैशबोर्ड के ऊपर वाला पिलर वाला हैंडल है, और ये भी अपना अलग अलग पार्ट्स के अंदर आता है, 6 पीस में आता है, 6 पीस के अंदर आता है, ये भी महिंद्रा का जेन्युइन रहता है। तो ये कुछ लुक मिल जाएगी, और अभी ए पिलर भी आपको दिखाता हूँ अनबॉक्स करके जल्दी से भाई, यहाँ पर दिखाना एक बार। तो भाई यहाँ पर ये अनबॉक्स कर देते है, जेन्युइन पार्ट रहेगा महिंद्रा का, ये अपना ए पिलर पूरा आप अपनी कार के अंदर अपग्रेड करवा सकते हो। तो ये कुछ लुक मिल जाएगी ग्रैब हैंडल के लुक, पूरा ही पिलर चेंज होता है ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये कुछ लुक में आप अपग्रेड कर सकते हो। इसकी प्राइसिंग की बात कर ले, 1800 रुपए में साइड का ठीक है, 1800 रुपए में दोनों साइड के आपके ए पिलर आप अपग्रेड करा सकते हो, Z2 के अंदर जेन्युइन पार्ट रहेगा, महिंद्रा की बैजिंग, तो मतलब देखो इसकी ना कॉपी मेरे हिसाब से आएगी भी नहीं, आएगी भी नहीं, हाँ इसकी कॉपी नहीं आने वाली भाई। ये आपको दिखा दिया भाई, अब बात करें स्टीयरिंग पे चले, स्टीयरिंग में क्या कुछ चेंजेस मिल जाते हैं, स्टीयरिंग में आपको पियानो ब्लैक स्टीयरिंग मिल जाएगा ठीक है, Z2 में तो अपना मैट चेंज इनको एक साइड का वो भी मिल जाएगा ठीक है, कुछ इस टाइप का स्टीयरिंग आएगा भाई। ये क्रूज वाला वर्किंग रहता है नहीं रहता, क्रूज वर्किंग नहीं करेगा, MID वर्क करेगा, MID वर्क करेगा। अब इनके कंट्रोल्स की प्राइसिंग की बात कर ले भाई, इसकी कंट्रोल की प्राइसिंग की बात करो, अगर सिंगल पीस लेते हो तो 4500 रुपीज, अगर डबल लेते हो मैट ब्लैक में तो 6500 का आएगा, और क्रोम पियानो ब्लैक लेते हो तो 7500 रुपए का। ठीक है भाई, देखो वीडियो के अंदर हर चीज क्लैरिफाई कर दी आपको प्राइसिंग, तो ऐसे कुछ महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स आप अपग्रेड करवा सकते हो जो अपना Z2 के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट अपना जो अंधेरे में उजाला कर दे, सनग्लास होल्डर अनबॉक्स करा जा रहा है, अपना सनग्लास होल्डर जो आप Z2 के अंदर अपग्रेड करवा सकते हो, सील पैक आपकी कार के अंदर अपग्रेड कर दिया जाएगा। देख लो फ्रेश पीस रहने वाला है, यूज का सिस्टम कोई नहीं मिलेगा, प्रीमियम सनग्लास होल्डर आप इसके अंदर अपग्रेड, महिंद्रा जेन्युइन रहता है ठीक है, तो महिंद्रा का बैजिंग नहीं मिलेगा, पार्ट नंबर मिल जाएगा, पार्ट नंबर मिल जाएगा भाई। अगर प्राइसिंग की बात कर ले सनग्लास, थर्टी एट हंड्रेड में आपको सनग्लास होल्डर यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये कुछ लुक मिल जाती है, सनग्लास होल्डर देने ऐसा लग जाएगा भाई यहाँ पर। इसमें आपको यहाँ पे सनरूफ का बटन मिल जाएगा, जो आफ्टर मार्केट होगा कई बंदा क्या करता है क्रेटा वाला भी लगा देते हैं, तो उसमें ये बटन नहीं आएगा ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस आपको मिल जाता है भाई। बाकी अगर मेरे हिसाब से बात करें जेन्युइन पार्ट सारे दिखा दिए, अब चलते थोड़ा आफ्टर मार्केट में, आफ्टर मार्केट में अपने पास ऑप्शन रहता है सीट कवर्स अपग्रेड करने का, सीट कवर्स मिल जाते हैं अपने पास, मिल भी जाएंगे, रेडी स्टॉक रहता भी है, जिनको बनवाने बना सकते, फैक्ट्री अपना खुद का है भाई। देखो अगर मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन की बात करूँ तो भाई महिंद्रा वाले सीट कवर्स सिंपली नो है हमारी तरफ से, महिंद्रा वाला सीट कवर हमारे सीट कवर के आगे जीरो है, जीरो बिल्कुल भाई। दिखाना एक बार सीट कवर की क्वालिटी, तो भाई सीट कवर की क्वालिटी दिखाता हूँ, ये होता है सोफा लैमिनेशन कपड़ा में होता है सीट कवर, जैसे आप ये देख सकते हो भाई। देखो मेरे हिसाब से क्वालिटी अपने आप जस्टिफाई हो रही है, वीडियो के अंदर भी क्या हैवी थिकनेस आपको मेरा मिल रही है, जो
हैवीनेस आ रही है ना सीट कवर के अंदर, ये चीज अपनी कंपनी वाले में नहीं आती, कंपनी वाले में नहीं आती, और कंपनी वाले इस क्वालिटी इतना अच्छा क्वालिटी भी नहीं देते। और ये है कुछ टॉप एंड वेरिएंट वाला डिजाइन जो आपको मिल जाएगा, प्राइसिंग के कितने स्टार्टिंग मिल जाती है, स्टार्टिंग 8,500 से हो जाता है, ऊपर 18,000-19,000-22,000 तक के सीट कवर, ठीक है 8,500 स्टार्टिंग मिल जाएगा सीट कवर्स की, कलर वेरिएशन सारे मिल जाएंगे, कस्टमाइज कराना हो जाता भाई, कस्टमाइज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक दिन की टाइम चाहिए पूरा, ठीक है भाई। बाकी अगर बात करें मैट चाहिए हो भाई, मैट चाहिए तो मैट भी मिल जाएगा, जिनको 70 चाहिए 70 90 चाहिए 90, जीएफएक्स चाहिए जीएफएक्स, दोनों कितने से एक बेसिक स्टार्टिंग मिल जाती है, बेसिक स्टार्टिंग मिल जाता है 3,500 रुपए से, ऊपर 3,500 रुपए से, ठीक है 3,500 स्टार्टिंग मिल जाएगी मैट्स की। मेरे हिसाब से मैंने आपको महिंद्रा के ऑलमोस्ट हर एक चीज दिखा दी है, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्वालिटी इंटीरियर मैचिंग के हिसाब से, हम हर गाड़ी में यही डालते हैं ऑटो फ्यूचर, ऑटो फ्यूचर ब्रांड, ब्रांडिंग मिल जाएगी, कितने प्रीमियम मैट्स रहने वाले हैं, और सबसे मेन चीज वेलक्रो सिस्टम रहेगा, कोई लॉक सिस्टम नहीं मिलेगा, कंपनी वाले में लॉक रहता है वो टूट जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप वो मत लेना, ऑटो फ्यूचर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये कुछ लुक मिलती है ओवरऑल। अंशु भाई बता दो ऐसा कुछ प्रीमियम क्वालिटी वर्क करना आना कहाँ पर है, ऑटो मैजिक कार डेकोर अपना करोलबाग में है, 17 पूसा रोड, ठीक है, मेट्रो पिलर 93 के सामने, नीचे उतरती पहली दुकान अपनी है, फर्स्ट स्टॉप आपको मिलने वाला ऑटो मैजिक कार डेकोर, एंट्री पॉइंट पे ही फर्स्ट स्टोर, प्रीमियम क्वालिटी वर्क करना आप यहाँ पे आकर डील कर सकते हो। स्कॉर्पियो एन की वीडियोस देखनी है चैनल पे जाना, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी।